गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक पम्बासा में स्थित मुजफ्फरपुर गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 4 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर है। लगभग 6500 की आबादी 3450 वोटरों द्वारा स्वादे किंग को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 563 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 350 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 57 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 3 हैंडपंपों को भी रिपेयर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 150 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व 10 सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 11 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया, स्कूल की बाउंड्री व मैन गेट का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान के देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 350 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 आवास का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, कब्रिस्तान की बाउंड्री, पानी की टंकी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं नसीम अहमद, ग्राम पंचायत मुजफ्फरपुर, प्रधान प्रतिनिधि। जो हमारे ग्राम पंचायत के लिए धनराशि मिली थी सरकार से, उसका सही इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि स्कूलों में कार्य, सीसी टाइल, शौचालय मरम्मत, गेट, बाउंड्री, पुताई और रास्ते, सड़कें, जितने नाले खराब थे, नाले, पुलियाँ वगैरह सारी कराई जा चुकी हैं। और सरकार से हमें यह अपील है हमारे गांव में और ज़्यादा धनराशि मिल जाए, जिससे गांव का सही तरीके से सुधार कराया जाए। जैसे कि पानी की टंकी, नालों की दिक्कत है अभी, और सड़कों की ज़रूरत है गांव में, लाइटों की और भी ज़रूरत है, कोई लग चुकी हैं जैसे लाइटें, पंचायत भवन, जैसे पंचायत भवन नहीं है गांव में हमारे, और साथ गांव की सफाई के लिए सफाई कर्मी भी कम है, वो भी, उसकी भी ज़रूरत है। ये 3 गांव लगते हैं इस ग्राम पंचायत में, जिसमें 2 सफाई कर्मी मौजूद हैं, 1 सफाई कर्मी की और ज़रूरत है, और बहुत सारे काम है जैसे लाइट, स्ट्रीट लाइट, नाले और शमशान की बाउंड्री, कब्रिस्तान की बाउंड्री, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। जो यह कार्य रह गया है वो पूरा कराया जाए। सरकार से यही अनुरोध है सर कि यहाँ पे और धनराशि व्यक्त की जाए, जिसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मेरा नाम विजेंद्र कुमार, मैं यहाँ का नागरिक हूँ, और ये जो भी काम कराया है प्राथमिक पाठशाला में, इस सीसी टाइल्स, ये शौचालय और ये बाउंड्री वाल, सारा काम ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया है। और पहले इसमें इतनी गंदगी रहती थी, बेजा वाली गंदगी रहती थी पहले, और अब जो, अब कोई बच्चों के लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है।